आज मैं लेके आई हूँ ककोड़े की सब्जी बनाऊंगी। बहुत हेल्दी और पौष्टिक होता है, शुगर लेवल के भी कंट्रोल रखता है। तो आज मैंने पाव किलो ककोड़ा लेके आया है मार्केट से, और सब्जी बनाने के लिए। तो मैं आपको काट को दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने काट लिया है। तो ये बच्चा है, अज्जू है, तो ऐसा है। और ये बिया इसमें हो गया है, ज्वाल है। इसको मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये बज्जर हो गया है। तो ऐसा है, मैं दो खंडी काट के रखूंगी। लच्छदार मैंने प्याज काट लिया है, एक करी पत्ता है, हरा मिर्ची काट लिया है, अदरक लहसुन है, इसको पेस्ट बना के डालेंगे। और ये ककोड़ा मैंने काट लिया है सारा, और ये दो टमाटर है। गैस मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है। और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, बड़ा चम्मच से मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। मैंने इसमें 5 फोरन डाल दिया है, और मेरा चटक गया है 5 फोरन। अब इसमें जाएगा मिर्ची हरा। अब मैं इसमें डालूंगा आधी लहसुन का कुचा हुआ है, थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ हींग। अब इसमें जाएगा ककोड़ा जो मैंने कट करके रखा था, ये ककोड़ा मैंने इसमें डाला। अभी ककोड़ा भुजाएगा इसमें थोड़ा सुनहरा तक। अब इसमें डालेंगे प्याज जो मैं लच्छी बनाकर काटी थी, इसलिए ऊपर से डाले जो थोड़ा ककोड़ा पकात में दोनों पक जाएंगे एक साथ, क्योंकि ककोड़ा में थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। तो मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब सबको चलाते हुए झाँप झाँप के थोड़ा भाप से इसको, अभी जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब इसको चलाते हुए झाँप झाँप को भाप से सिझाएंगे। इसमें जाएगा टमाटर और करी पत्ता, और इसको फिर चलाते हुए पकाएंगे। इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच, सबके मिलाते हुए पकाएंगे, फिर ढक ढक के ताकि गल जाए अच्छे से। अब सब्जी पक चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, और ये थोड़ा इमली के पानी मैंने निकाल के रखा था, इसमें खटास के लिए थोड़ा ये खटा डालिए, डाल देते हैं इमली का। अब सब मिक्स करते हुए अब मेरा हो गया है सब्जी, मेरा ककोड़ा का सब्जी बन गया है। एकदम हेल्दी और पौष्टिक होता है इसमें, क्योंकि देखिए ये बन गया मेरा। अब थोड़ा धनिया पत्ता गार्निश कर देते हैं। एक बार मेरे तरह से बनाइए और खाइए, और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्लीज। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।